कई सारे स्टूडेंट्स आजकल क्लास 9-10 में ही जेई एग्जाम की कोचिंग करना उन्होंने चालू कर दिया है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सी है, ठीक है। और आप आंसर जान के थोड़ा शॉक भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने जिन भी कोचिंग्स का नाम सुना होगा, भले ही वो एकेड बूस्ट हो, भले ही वो एलएन हो, रेजोनेंस हो, फिटजी हो, कोई भी कोचिंग आपने नाम सुना होगा, इंक्लूडिंग एकेड बूस्ट भी जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, उनमें से किसी का नाम आज आंसर नहीं है। और इवन आपने और कोई छोटे मोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के नाम सुने हो, उनका भी नाम नहीं होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा एक नाम आएगा यहाँ पे, जो इंडिया की बेस्ट कोचिंग है फॉर यू, ठीक है। और हिंट ये कि मैंने अभी तक ऑलरेडी आंसर दे दिया है आपको कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। आप कमेंट करके थोड़ा गेस करो यार, देखते हैं आप सही होते हो या गलत होते हो, ठीक है। शुरू करने से पहले यार, एक तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे 9-10 रिलेटेड जेई प्रिपरेशन की और ओलंपियाड की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। और हमारा एक प्यारा सा जेई फाउंडेशन नाम करके कोर्स भी चलता है, जिसमें आपको खुद मैं आपका सारा कवरेज कराता हूँ। कई सारे पोर्शंस पे मैंने खुद आपके कवर किए हैं, प्लस पूरा करिकुलम, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, सब कुछ आई हैव डिजाइन ऑन माय ओन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। 2017 जेई में आई वॉज द फर्स्ट रैंक, तो काफ़ी नॉलेज है एग्जाम का, वही एक आपको देने की कोशिश इस चैनल पर और इस कोर्स में रहेगी। तो यार, गेस किया आपने कौन सी कोचिंग बेस्ट है? नाम लिखते हैं, द बेस्ट कोचिंग इज यू। आप अपनी बेस्ट कोचिंग है, ठीक है। अब मुझे पता है कई लोगों ने शायद, हो सकता है, इस वीडियो के ऊपर स्टम्बल किया हो, बिकॉज वो सर्च कर रहे थे कि विच इज़ द बेस्ट कोचिंग इन इंडिया, और वो मेरे सब्सक्राइबर्स शायद नहीं थे। उनको भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ, समझिए बात को। देखिए, अगर ऐसा होता कि किसी एक कोचिंग का नाम मैं लेके बोल देता कि भाई इस जगह पर अगर आप पढ़ेंगे, या आपका सन पढ़ेगा या आपकी डॉटर पढ़ेंगी, देन दे विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड इन IITs। अगर ऐसा होता, चलो इवन 1% भी कहीं एडवांटेज होता, तो भाई हिसाब से तो अपने आप ही सब लोग वहीं चले जाने चाहिए, अपने आप ही उससे ज़्यादा सिलेक्शन होने लग जाएंगे जगह से, अपने आप ही सब बच्चे ही वहीं जाएंगे, रिजल्ट सब जगह वहीं आएगा, राइट। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इवन अगर आप देखेंगे JEE AIR 1 की लिस्ट भी देखेंगे, सब लोग सोचते हैं कि कोटा इज़ द बेस्ट सिटी फॉर प्रिपरेशन, कोटा में बेस्ट कोचिंग होती है। लेकिन कितने ही साल से हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम कोटा, राइट। एक आध साल कभी आ गई होगी। मैं खुद उदयपुर जैसे शहर से मैंने पढ़ाई की थी अपनी पूरी 11th 12th की, आई डिडंट गो टू कोटा एंड आई गॉट द फर्स्ट रैंक इन माय एग्जाम, राइट। तो अगर कोचिंग से फर्क पड़ता तो यार ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो तरह के आर्गुमेंट आपको पेश करूंगा कि वाई यू आर द बेस्ट कोचिंग एंड क्यों आप किसी भी कोचिंग से सिलेक्शन करो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओके। और अगर आपका सिलेक्शन होना होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसी भी कोचिंग में जाओगे, अगर नहीं होना होगा ना, तुम 500 तरह की चीजें कर लोगे, नहीं होगा। आई विल गिव यू टू आर्ग्यूमेंट्स, राइट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको लग रहा होगा ये काफी फिलोसॉफिकल टाइप की वीडियो है, बट ये नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन में भी आपको गाइड करेगी काफी, आपको कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। सो डू वॉच इट टिल द एंड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो, राइट। पहला आर्ग्यूमेंट है सेल्फ स्टडी का, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट है कोचिंग की सिमिलैरिटी के ऊपर भी, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्या है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कोचिंग से बच्चों का सिलेक्शन होता है तो किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग के सारे बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए थे भाई, क्योंकि वो सब के सब वहाँ पढ़ रहे हैं, राइट। इफ देयर वाज सच अ थिंग एज कि ये वाली कोचिंग बेस्ट है, तो वहाँ के बच्चे सब सेलेक्ट हो जाने चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है, कोई भी कोचिंग इंडिया में ऐसी नहीं है जहाँ पे सब बच्चे सेलेक्ट होते हो, क्यों होने चाहिए ना भाई, वहाँ पे तो बेस्ट है वो, राइट। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो सिलेक्शन होता है ना, वो बच्चे पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। जिसकी फर्स्ट रैंक आनी होगी वो कहीं भी चला जाएगा, वो टॉप 5 टॉप 10 में रैंक ले आएगा। हाँ, फर्स्ट रैंक थोड़ा सा लास्ट दिन का मामला होता है, थोड़ा बहुत लक बहुत जगह जो भी कहो, वो कुछ हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जिसकी रैंक आनी होगी टॉप 100 में, वो कहीं भी चला जाएगा, उसकी टॉप 100 में ही रैंक आएगी। वो सेल्फ स्टडी भी कर लेगा ना, किताब ला के, एचसी वर्मा और NCERT, PYQ, एदास गुप्ता, रिहन संगेज, ये सब भी अगर वो पढ़ लेगा ना घर पे, उसकी फर्स्ट रैंक ही आएगी, ठीक है, जिसकी आनी होगी। और जिसकी नहीं आनी होगी, जो बच्चा पढ़ाने वाला नहीं है, जो बैठ के ऐसे ही गप्पे मारता है, वो कहीं भी कोचिंग चला जाए उसका नहीं सिलेक्शन होगा। कई पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है, कई बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप कहाँ चले गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि हम कोटा चले जाएंगे, हम सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा होगा ना यार। ऐसी कोई IIT पेपर में सेटिंग तो नहीं है कि भाई अच्छा तुम कोटा से आओ, चलो तुम आ जाओ, ऐसा तो नहीं है ना भाई। नंबर आएंगे वो सिलेक्ट होगा, राइट। तो आपको समझना होगा कि सेल्फ स्टडी आपकी जो है वही आपका 90 क्या मैं तो कहूँगा 99% रिजल्ट देती है। कि भाई जिस बच्चे ने खुद से अच्छी पढ़ाई की है, इवन आपके पास चलो कोचिंग का मटेरियल भी आ गया, उससे क्या होता है यार, पढ़ना पड़ता है। कई लोग समझते हैं कि अरे हमें अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, कई लोग मुझे बोलने आते हैं कि अरे सर आपके नोट्स दे दो ना आप जब JEE के, भाई उससे क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा उससे? एक तो मेरी हैंड राइटिंग तुम्हें समझ आनी नहीं है, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है मेरी, दिख गई होगी तुम्हें आधी तो, राइट? यहाँ पे तो फिर भी मैंने सिंपल सिंपल के लिखा है, नोट्स में तो एकदम बनाते थे हम, बड़े बड़े झंडे बनाते थे, राइट? तो क्या मिल जाएगा तुम्हें मेरे नोट्स लिख के? क्या उससे तुम्हारा दिमाग कोई बढ़ जाएगा? क्या समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। वही चीज़ है, नोट तो वही है भाई, वही फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू एम वही है, सदियों से चल रहा है। चेंज थोड़ी हो जाएगा, टॉपर के नोट्स पढ़ लोगे या किसी एक्स कोचिंग की जगह वाई कोचिंग चले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? फर्क उससे पड़ रहा है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस किया। तुम्हें जो भी मटेरियल दिया गया, तुम कहीं का भी मटेरियल ले लो, उसको प्रैक्टिस अगर तुम करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं करते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल का, मैं तो बढ़िया कागज़ की पन्नी बढ़िया वाली एकदम, वो चमकनी वो नहीं होती चमकदार वाली एकदम, वो स्मूथ वाली, मैं तो उस पर फोटोग्राफी पेपर पर प्रिंट करा के बुक दूंगा तुम्हें, कुछ ना होगा जिसका नहीं होना है। और जो सिलेक्शन होने वाला बच्चा होगा ना, वो नेट से पीडीएफ पे प्रिंट प्रिंट कर करके पता नहीं 200-300 रुपए कहीं देगा किसी को, कोई पट्टी पुरानी किताब लाएगा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा जिसको सिलेक्शन करना होगा अपना, ठीक है? क्योंकि बंदे में वो जिगर है, बंदे में वो सेल्फ स्टडी की वो इंटरनल मोटिवेशन उसमें है कि भाई यार मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, कर ले भाई। उसके अंदर ये चीज़ आ रही है ना, जिस बच्चे में वो इंटरनल है कि हाँ भाई मुझे तो करना है, वो कर लेगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई मैं कोचिंग में टॉपर हूँ, कि मैं कोटा की कोचिंग में हूँ, कि मैं देहरादून की कोचिंग में हूँ, कि मैं कहाँ की वापी की कोचिंग में हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? सेल्फ स्टडी अच्छी करो, जो भी मटेरियल आपके पास है। और यहाँ पे कई बच्चे ये भी कहते हैं कि अरे यार मेरे पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, अरे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल बहाने हैं, केवल बहाने। आज की तारीख में अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है, ये वीडियो मैं काफ़ी लंबी बनाऊंगा, 10-12 मिनट की, अगर ये वीडियो तुम पूरी देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, 5-5 MB की PDF मिल जाती है भाई, जिस बच्चे को पढ़ना होता है मोबाइल पर जाके फड़ फड़ के भी वो पढ़ लेता है। जिसको नहीं पढ़ना होता वो 100 बहाने करेगा कि अरे यार मेरे कोचिंग के सर अच्छे नहीं है। अभी कोचिंग के सर अच्छे नहीं है भाई, नेट से पढ़ लो यार, कितने लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं फ्री में, अकेडमी उसमें आ जाओ, कितने सारे टीचर जहाँ पे बैठे हुए हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने कम कम प्राइस में, कोई किताब खरीद लो, किताबों के अंदर से पढ़ते हैं बच्चे, राइट? एक्सक्यूजेज मारने वाले बच्चे एक्सक्यूजेज ही मारते रहेंगे। मैं आपको खुद बताता हूँ, मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन की थी क्लास 8th में, ठीक है? अब बोलेंगे कि अरे भैया आप तो बड़े अमीर हो गए 8th से कोचिंग जा रहे हो। भाई मेरी एक एग्जाम में अच्छी रैंक आई थी तो मेरे को मेरे कोचिंग वालों ने 90% डिस्काउंट दिया था, और आई थिंक 11th 12th तो मेरी फ्री में गई थी, राइट? तो अगर आप टैलेंटेड हो गए ना, कोचिंग वाले खुद आपको डिस्काउंट देके पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जो जो टैलेंटेड बच्चा है ना उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, जो ऐसा बच्चा है ना वही मतलब जिसको मेहनत ही नहीं करनी है, वो उसको 100 बहाने करेगा, वो सिलेक्शन वो कुछ नहीं करेगा वो, राइट? तो मैं कोचिंग में गया था 8th क्लास से, 8th क्लास में मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था, तो मैं 8th में 4-5 महीने कोचिंग गया हूँगा, ठीक है? मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली थी। फिर 9th में मैं गया हूँगा 6 महीने, 6 महीने जाके मेरा लेवल डेवलप हो गया था कि भाई यार अब मुझे चीज़ें आ गई, अब मैं खुद से पढ़ने की कैपेसिटी रखता हूँ। 9th के 2nd हाफ में कोचिंग गया ही नहीं, खुद से पढ़ता था किताबें वगैरह लेके, ठीक है? 10th में मैं एक भी क्लास कोचिंग नहीं गया। 10th में तुम जाके मेरी कोचिंग में जाके पूछ लेना, उदयपुर में रेजोनेंस उदयपुर मेरा सेंटर था, वहाँ पर मेरे टीचर्स के नाम भी मैं बता दूंगा अगर तुम्हें जानने हैं तो, ठीक है? मुझे कई बच्चे बोलते हैं कमेंट्स में या इंस्टा पर मैसेज करते हैं कि भैया आपके ये वाले सर थे ना, वो हमें पढ़ाते थे, वो आपका नाम लेते हैं, बोलता हाँ यार ये वाले सर थे, तो आपको भी कोई क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? तो उन बच्चों उन टीचर से जाके पूछ लो, वो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ भाई यार ये कल्पित था, 10th में नहीं आता था, ये केवल ऐसे ही मजी मस्ती काट के गए 10th 9th में, 8th तक पढ़ता था ये, तो मैं खुद से ही पढ़ता था भाई, घर पे मस्ती भी मारता था, घर पे ही पढ़ता था, कोचिंग में एनरोल्ड था लेकिन मैं गया ही नहीं था। अब ऐसे तो कहने में तो भाई कोचिंग में बेस्ट रिजल्ट आता है, बिना कोचिंग के किया यार, 11th 12th में मैं कोचिंग गया था प्रॉपर, लेकिन वहाँ पर भी आई वुड से, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं टीचर्स की कोई रोल नहीं है, बट आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा जो मेरी पढ़ाई रहती थी वो मेरे खुद के दम पे रहती थी यार, कि ठीक है क्लास में हम समझते थे लेकिन फिर घर पे आके मैं इतनी बुक्स एक्स्ट्रा करता था, घर पे आके मैं इतना एक्स्ट्रा मटेरियल करता था, घर पे आके मैं इतनी थ्योरी पढ़ता था खुद से, डबल डबल बार क्वेश्चन सॉल्व करने, दूसरी दूसरी जगह क्वेश्चन ढूंढ के लाने, ये सब मैंने खुद के दम पे किया है भाई, ठीक है? और उसी से रैंक आती है। यहाँ पे कोई ऐसे गवर्नमेंट वाली बात भी नहीं है कि अरे ये तो टीचर्स को डिस्क्रेडिट कर रहा है। हर टॉपर की कहानी यही है कि वो अपने कोचिंग में जितना पढ़ता था ना उससे ज़्यादा या डबल वो अपने घर पे जाके सेल्फ स्टडी कर लेता था, ठीक है? तब जाके रैंक आई है उस बंदे की। कोई सा भी बंदा पकड़ लो, कोई सा भी टॉपर ले लो, कोई सा भी पकड़ लो, मेरी बात चलो ठीक है, मेरे को तुम साइड रख दो, किसी को भी पकड़ लो कि ठीक है इससे पूछते हैं, वो खुद बोलेगा कि हाँ यार कोचिंग में जितना पढ़ाते तो उसे काफ़ी ज़्यादा आई हैव स्टडीड ऑन माई ओन, राइट? तो पहला तो यही है यार कि आप अपनी बेस्ट कोचिंग क्यों हो, क्योंकि रैंक सेल्फ स्टडी से आती है और सेल्फ स्टडी आप पे ही डिपेंडेंट है। इवन कोचिंग का मटेरियल भी मिल गया, उसको कितना डेप्थ में तुमने पढ़ा है वो तो तुम पे ही है ना यार। टीचर्स तो आपको बस ऐसे वो पन्नी बांट देंगे, ये लो पढ़ लो, तो पढ़ना तो तुम्हें है ना यार।
सेकंड कोचिंग की सिमिलरिटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई लोग समझते हैं कि अरे यार ये वाली कोचिंग में जाएंगे तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बड़ी कोचिंग होती है उतनी बड़ी जनता होती है वहाँ पे, उतना बड़ा वहाँ पे बैच होता है, उतना कम अटेंशन तुम पे जाता है और उतने बड़े तुम्हें केवल बैंक बन जाते हो उनके लिए। ठीक है, तुमने कहानी सुनी होगी ना इस तरह की कहावत कि रैंक की फर्स्ट बैच इज द रैंकर्स नहीं और बाकी तो हमारे बैंकर्स हैं, ऐसा कुछ होता है ना कि यार कि भाई जो टॉपर्स हैं उनसे तो हम रैंक कमाएंगे, नाम कमाएंगे और बाकी बच्चों से हम बैंक या पैसे कमाएंगे। तो वही है कि तो बड़ी कोचिंग के लिए अगर तुम टॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो तुम उनके लिए केवल एक मनी की जनरेटिंग मशीन हो और कुछ भी नहीं हो, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करोड़ों लाखों बच्चे बैठे हुए, तुम उनमें से एक हो, तुम एक एक्सेल फाइल के अंदर एक डेटा पॉइंट हो कि इस बच्चे का रोल नंबर ये है बस। केवल पहले के 3-4 नाम से लोगों को मतलब होता है क्योंकि वो रैंक लेंगे, उनसे कोचिंग का नाम होगा, भाई कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब आज से 20 साल पहले फिर भी कह सकते थे कि यार यार कोटा के अंदर बेटर स्टडी मटेरियल है, बेटर टीचर्स है, लेकिन भाई आज हर बड़ी कोचिंग का एक ना एक सेंटर ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में है। अब तुम बिल्कुल ही गांव कस्बे में पढ़ते हो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज तुम इवन किसी भी ठीक ठाक शहर में भी पढ़ते हो, तुम मुंबई में चलो नहीं हो, तुम नागपुर में हो, तुम नासिक में हो, तुम उदयपुर में हो, जोधपुर में हो, जयपुर में हो, इंदौर में हो, भोपाल में हो, भाई हर जगह कोचिंग खुले हुए हैं यार, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी टीचर्स होंगे, बेस्ट क्वालिटी टेस्ट, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट गेट देयर, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है। और आज से 5 साल पहले भी था, मैंने भी प्रिपरेशन की थी 2015-16 में, तब सब था भाई मेरे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक भी मुझे कमी नहीं लगी कि भाई मेरे उदयपुर सेंटर में कोई कमी थी कि भाई ये चीज़ और मिल जाती तो और बढ़िया रैंक आ जाती, और बढ़िया रैंक आएगी कहाँ से। ठीक है, उस समय किसी के हिस्ट्री में फुल मार्क्स नहीं थे, किसी के नहीं थे, मैं लेके आया। ठीक है, अभी तक नहीं है शायद, तो वो उदयपुर से कर लिया भाई, उदयपुर से कर लिया, आधा सेल्फ स्टडी था ठीक है, लेकिन मेरी कोचिंग का भी तो रोल था उसमें, कोचिंग वाले ऐसे भी बैठ के थोड़ी जलेबियाँ थोड़ी तल रहे थे यार, उन्होंने भी पढ़ाया काफ़ी, राइट। सो कोचिंग से क्यों फर्क पड़ गया, क्योंकि आजकल हर कोचिंग सिमिलर हो गई है, क्योंकि जेई का सिलेबस है ही वही है यार, उसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी आ जाएगा, जेई में वही है कि भाई जीओसी के अंदर यही 4-5 इफेक्ट है, ये एम इफेक्ट आई इफेक्ट बस, तो वो तुम्हारे कोई MIT के अंदर जाके भी पढ़ोगे वो सेम ही पढ़ाएंगे, तुम SRM यूनिवर्सिटी में जाओगे वो भी सेम ही पढ़ाएंगे, तुम पटना की कोचिंग में जाओगे वो भी सेम ही पढ़ाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है यार, क्वेश्चन वही 4-5 तरह के आते हैं, तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है कि यार आप इस कोचिंग में जाके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे या कुछ आपको आ जाएगा, सेम ही चीज़ है सब। ठीक है, हाँ अब बिल्कुल ही कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही लोकल कर लेते हैं, किसी से भी जाके पढ़ लिया क्योंकि पास में कोई भैया है वो पढ़ते हैं यहाँ पे अपने बगल वाले कॉलेज में, वो चाय की टपरी पे उनको बोल दिया भैया मेरे को पढ़ा दो बैठ के पढ़, वो वैसे थोड़ी होगा, यू विल हैव टू गो टू अ डिसेंट कोचिंग, ठीक है, जो थोड़ा इस्टेब्लिश्ड हो, वहाँ से पढ़ो, मोस्टली सिमिलैरिटी ही रहती है। तो इसलिए मेरा कहना यह था कि आप अपनी बेस्ट कोचिंग हो, क्योंकि नो मैटर विच कोचिंग यू गो टू, पहली बात सारी कोचिंग सिमिलर होती है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, और तुम जितनी बड़ी कोचिंग में जाओगे ना उतना बड़ा वहाँ पे क्राउड होगा, उतना कम तुम पे ध्यान होगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। जैसे मुझे आज भी याद है, मैं जब 11th में था ना तो मुझे कई सारे कोटा के कोचिंग सेंटर्स ऐसे बुलाते थे कि यार आप हमारे यहाँ आ जाओ, क्योंकि मैं क्या है NTSC रैंक 1 वगैरह में बहुत पहले से था मेरा नाम एजुकेशन में, तो सब लोग चाहते थे कि मैं उनके यहाँ पढ़ूँ, क्योंकि फिर रैंक आती है तो उनका नाम जो भी है। तो मुझे मेरे टीचर्स ने एक ही बात बोली कि भाई कल्पित उदयपुर में तुम टॉपर हो, तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं है, मतलब इट वॉज लाइक कि भाई मेरे अगर 90% आ रहे हैं टेस्ट में तो सेकंड रैंकर के 50 या 60% ही होते थे, ठीक है, तो वो बोलते थे कि भाई तुम कोटा जाओगे ना वहाँ पे कोई बच्चा मिल जाएगा जो 95 लाएगा, तुम फर्स्ट रैंकर नहीं होगे तो तुम पे ध्यान भी नहीं जाएगा, भले ही तुम टॉपर हो यहाँ के, दे विल नॉट पे अटेंशन टू यू। और मुझे बात काफ़ी प्लॉजिबल भी लगी, सो आई स्टेड इन माई होम टाउन एंड वहीं से प्रिपरेशन की और रैंक आ गई। तो आप जितनी बड़ी जगह जाओगे ना वहाँ पे इतना क्राउड है, और ये तो मेरी बात कर रहा हूँ, मैं तो टॉपर था अपनी कोचिंग का, आप शायद ना हो, आपको शायद बिल्कुल अटेंशन नहीं मिला, आप लॉस्ट हो जाएगा उस क्राउड में, राइट। तो पॉइंट ये है कि कोचिंग सारी सेम ही होती है, और उसमें मैटर क्या करता है असली में कि आपने अपनी तरफ से कितनी सेल्फ स्टडी की है उस कोचिंग की, जो भी कोचिंग है, सब कोचिंग अच्छी है, आपने उस कोचिंग से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाया वैल्यू, ठीक है। कई बच्चे लोकल कोचिंग से AIR 100 में लाते, कई बच्चे कोटा में बेस्ट कोचिंग में जाके AIR लाते ही नहीं है, जेई में क्लियर नहीं किया, तो इस बच्चे ने क्या, उसको जो मिला उससे अच्छी एक्सट्रैक्ट की इसने वैल्यू, और इस बच्चे को जो मिल रहा था इसने उसको कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो यू आर द बेस्ट कोचिंग, आपके हाथ में कि आपको कितना पढ़ना है, आपको कितनी एफर्ट डालनी है, आपको कितनी रैंक लानी है, ठीक है। एंड अगर आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से करना है, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बताऊंगा कि आप हमारे JEE फाउंडेशन कोर्स में इनरोल
हो सकते हो, ठीक है। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, ये एक नेसेसरली कोचिंग नहीं है। तो अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो जहाँ पे आपको टीचर्स वगैरह पढ़ाते हो ऑफलाइन, ये उससे काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो यार मैं क्या, जब 9th 10th में था ना यार, तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी 11th 12th की, और मैंने मेरा बहुत दिमाग फ्राई किया था। और इन दी एंड मुझे पता चला यार कि मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं थी, मुझे कुछ चीज़ें पढ़नी थी जो 9th 10th में रिक्वायर्ड होती है, और वो आपको 11th 12th में जाने में बेस्ट पास अलाउ करेगी। जैसे तुम्हें सोचो ना, ये तुम्हारी 9th 10th है, ठीक है, और ये तुम्हारी 11th 12th है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, अब तुम्हें केवल ये चीज़ें आनी चाहिए, इसके आगे तुम जो भी पढ़ोगे ना वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अगर तुम ये, अगर तुम्हारा ये हो गया तो तुम ये पढ़ो ना फिर डायरेक्ट, समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं, कि भाई तुम्हारा 9th 10th हो गया, ये हो गया, तो तुम 11th 12th पे चले जाओ। अब मैं क्या कर रहा था, मैं ये सब ये पढ़ रहा था फालतू की चीज़ें जो ना मेरे 9th 10th में काम आई ना 11th 12th में काम आई, और मेरे पास टाइम वेस्ट हुआ। तो मैंने सोचा यार कि मेरे साथ ही गलती हुई है, मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा, और फिर मैंने ये कोर्स बनवाया, ठीक है। इसका पूरा करिकुलम मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये पूरा कवर हो जाए आपका, और ये वाली जो लाइन है जो रिक्वायर्ड है वो कवर हो जाए, और इसका कुछ पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। ये फालतू चीज़ें हटा दी जो आपको हर कोचिंग में कराई जाएंगी, ऐसी चीज़ें कोई काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना यार कोचिंगें खोली जाती है पैसों के लिए, मेरा ये पैशन है, ठीक है। मैं बहुत छोटा था ना तब से मेरा पढ़ाई ही मेरा इंटरेस्ट है, कि यार मुझे पढ़ाई करनी है। मेरा यही इंटरेस्ट था कि यार मैं किस तरीके से बेस्ट पढ़ाई कर सकता हूँ, और अब मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आपको किस तरह से बेस्ट तरीके से पढ़ाई करवा सकता हूँ, राइट। सो यू आर सीइंग समवन हु इज इन इट फॉर यू, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस जर्नी द बेस्ट पॉसिबल फॉर यू, इस पर्पज से ही ये कोर्स बनाया, ठीक है। पैसे का पर्पज होता तो मैं भी भाई 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये चार्ज करता है, इसकी कर भी सकता हूँ मैं तो भाई, फर्स्ट टाइम का कोर्स है, मैं तो 1.5 लाख रुपये लूँगा तुमसे, हर चीज़ अच्छी है इसके अंदर, एकदम क्वालिटी की चीज़ है, लेकिन यार काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड भी है, इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। जो भी चीज़ें चाहिए ना 9th 10th में, तो ये तुम्हारा 9th 10th के बोर्ड हो गए, NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गए, जितने भी हो गए JEE की अर्ली प्रिपरेशन, सब कुछ एक कोर्स में तुम्हारी हो जाएगी एट अ वेरी गुड प्राइस, ठीक है। टेस्ट सीरीज चाहिए सब मिलेगी, लेक्चर्स ये सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको देख सकते हो, ठीक है। और इन दी एंड क्या बोला मैंने, कि आपकी सेल्फ स्टडी सब कुछ है, और इसीलिए ये पूरा सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड है, ठीक है, कि भाई बच्चा सेल्फ स्टडी इसको बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ओके। तो कोचिंग कोई से भी जाओ यार, फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी जो मर्जी पड़े तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोचिंग जाने से सिलेक्शन ना होनी है, सिलेक्शन होनी है तुम्हारी मेहनत से, ठीक है। बाद में जाके अपने टीचर्स को मत बोलने लग जाना कि अरे यार मैं तो आपके यहाँ पे 2 लाख रुपये दे के आया हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। भाई 2 लाख रुपये सबने दिए हैं, उनका भी नहीं हुआ है, और जिस बच्चे ने फ्री में पढ़ाई करी उसका हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ स्टडी अच्छी थी, वो पढ़ता था, और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है वो कितनी 15 लाख रुपये भी दे दोगे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, गुड लक। तुम्हें कुछ डाउट्स वगैरह हो, कुछ जानना हो, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक कर सकते हो, ताकि और वीडियोस आती रहे तुम्हारे सामने, मेरे कोर्सेज के, मेरे सोशल्स के, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। गुड लक।